राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच काफी लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। ऐसे में अब विवाद को समाप्त करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने सोमवार को गहलोत पायलट के साथ ही राजस्थान कांग्रेस के टॉप लीडर्स की बैठक बुलाई है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए सीएम अशोक गहलोत आज सुबह 10 बजे स्पेशल प्लेन से जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक 11 बजे तक वह दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद वे कई अन्य टॉप लीडर्स के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। अब तक की सामने आ रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ अलग अलग बैठक करने वाले हैं। पार्टी के ही एक सीनियर नेता ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं कहा जा रहा है कि जिस तरह से खड़गे ने कर्नाटक में विवाद को शांत करते हुए सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को साथ लाने में सफलता हासिल की थी, अब पार्टी आलाकमान यही चाहती है कि वह राजस्थान में भी कर्नाटक वाला फॉर्मूला अपनाए। सूत्रों की अगर माने तो मल्लिकार्जुन खड़गे पहले राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। इसके बाद भी अगर गहलोत पायलट खेमे के बीच विवाद समाप्त नहीं होता है तो अंतिम दौर में सोनिया गांधी के साथ बैठक की जाएगी। बता दें कि कांग्रेस पार्टी गहलोत और पायलट दोनों को ही एक साथ रखकर राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहती है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।